सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल आशीष कैफे। तो गाइस, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की। जो 6 क्षेत्रों में आपकी वैकेंसी आई है कंडक्टर की, ठीक है, बस कंडक्टर की, जिसमें क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह होने वाली, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई करते हैं, सारी डिटेल्स आपको वीडियो में बताते हैं। चलिए ज़्यादा समय तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, बस आपसे एक ही विनती है, जो भाई बहन अगर चैनल पर नए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और हर एक उन दोस्तों को शेयर करें जिसको जॉब की नीड हो, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 6 क्षेत्रों में आउटसोर्स परिचालकों की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्ध बस बेड़े में परिचालन कार्य हेतु आउटसोर्स के आधार पर बस परिचालक के आवत किया जाना है। क्षेत्र का नाम बताएं, सबसे पहले अलीगढ़ में टोटल कितनी पोस्ट है, 89 है, 89 पोस्ट होने वाली। बरेली में 101 है। मुरादाबाद में बात करें तो 250 करीबन पोस्ट मुरादाबाद में। गाजियाबाद आपकी 62 मतलब 62 पोस्ट है। बात करें लखनऊ का तो लखनऊ में 128 है। नोएडा में आपको 57 है। कुल पदों की संख्या बात करें 742 होने वाली, ठीक है। अब इसमें लिखा है आउटसोर्स परिचालक हेतु शैक्षिक योग्यता महारता क्या होना चाहिए, तो आपको इंटरमीडिएट मतलब आपको 10 पास और 10+2 पास होना के साथ साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार का मान्यता प्राप्त संस्थाओं में CC प्रमाण पत्र की अर्हता होना आवश्यक है। अधिमान्य अर्हता मतलब NC BC प्रमाण पत्र तथा भारत स्काउट एवं गाइड के राष्ट्रपति पुरस्कार, ये सब तो जरूरी नहीं है, मतलब कहा गया कि है तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए, मतलब 40 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया बात करें तो आउटसोर्स परिचालक पद हेतु सब्जेक्ट पोर्टल, जो ये पोर्टल है, बाकी मैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, डायरेक्ट आप क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप अप्लाई पर क्लिक कीजिए, बाकी इसके ऊपर भी वीडियो भी बताता हूँ, ठीक है। विस्तृत जानकारी है तो पर देखा जा सकता है। चलिए हम इसकी सैलरी वगैरह की बात करते हैं, क्या क्या सैलरी होने वाली है। देखिए आपके सामने हम सैलरी की बात करते हैं, हाँ एक सेकंड गाइज, ये देखिए आपके टोटल रिक्तियाँ देखिए आपसे 128 होने वाली। अनिवार्यता की बात करें देखिए HSC इंटरमीडिएट है। वर्क स्ट्रीम बात करें ऑल स्ट्रीम के लिए, शिक्षा की और डिग्री भी चल जाएगा ऑल सब्जेक्ट। कंप्यूटर कंप्यूटर नॉलेज भी तो अच्छी बात है, वो भी कंप्यूटर होना चाहिए तो CCC होना चाहिए, मतलब जो CC से पार्ट। रिक्त की बात करें वैकेंसी की तो थर्ड पार्टी के द्वारा ही आपको लगाया जाएगा, ठीक है। जैसा कि इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है क्या क्या है, हेतु UPSRT कंडक्टर की आवश्यकता है, शैक्षिक योग्यता में अधिमान्य अर्हता, इंटरमीडिएट 10+2 और 10 दोनों पास आपको होना चाहिए, ठीक है। आप अच्छी तरह का बात करते हैं पुरुष महिला, मतलब आप दोनों भर से, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेतन की बात करें देखिए आपके सामने लिखा हुआ है वेतन 10,001 से लेकर 20,000 रुपये पर माह मिलेगा। वैसे पर महीने का आपको जो सैलरी मिलेगी 13,500 मतलब 13,500 में 14,000 के आसपास आपको मिलने वाले, ठीक है। न्यूनतम आयु की बात करें जो आपकी 18 साल, अधिकतम की बात करें 45 साल, ठीक है। तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम आपके 45 होनी चाहिए, ठीक है। अपेक्षित अनुभव की बात करते हैं आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। कार्यस्थल की बात करें तो आपको जो काम मिलेगा उत्तर प्रदेश जनपद जो लखनऊ में, ठीक है। और बाकी देखिए ये सब तो मैंने आपको इसके पहले अभी बता दिया था। और हम बात करते हैं कहाँ से अप्लाई कर, देखिए इसमें साफ साफ लिखा आवेदन करें उसी लिंक पे हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर देख सकते हैं SevaYojana., बाकी उस लिंक की वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ से आपको आवेदन क्लिक पर क्लिक करना है, जिसे इस पर क्लिक कीजिएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है यूजर ID पासवर्ड, सबसे पहले आपको यहाँ से साइनअप कर लेना है, ठीक है। साइनअप करने जिसने जिसने न्यू बंदे हैं उसे साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद उसके बाद आपको लॉगिन अपना ID पासवर्ड बनाना है, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ जॉब सीकर एम्प्लॉय सीकर, जैसे आप जॉब सीकर के लिए यही साइनअप करना है, एम्प्लॉय सीकर पर यहाँ जैसे जॉब सीकर पर जो है जिनको जॉब देना है तो वो ये करेंगे, अपना नाम वगैरह सब डालेंगे जो भी है, ठीक है। उसका वेरीफाई करने के बाद उसके बाद तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना, आगे मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के लिए, तब बने रहे, थैंक यू सो मच।